हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ रोजगार पंजीयन कैसे करना है। आप खुद भी अपने मोबाइल फोन से कर सकते हैं, आपको रोजगार कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है। आज के इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं छत्तीसगढ़ रोजगार पंजीयन किस प्रकार से करना है। रोजगार पंजीयन का नया साइट बन चुका है, यहाँ पे पुराने लोग भी रोजगार पंजीयन कर सकते हैं। तो आज मैं वीडियो में बताने वाला हूँ कि नया रोजगार पंजीयन किस प्रकार से करना है। आप खुद भी अपने मोबाइल फोन से घर बैठे कर सकते हैं और आपको रोजगार कार्यालय या कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप खुद मोबाइल फोन से करेंगे तो वही जो प्रमाण मिलेगा वही आपका पक्का प्रमाण रहेगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उसमें पूरा डिटेल लिखाया रहेगा। तो चलिए जानते हैं किस प्रकार से हम लोग ऑनलाइन खुद घर बैठे रोजगार पंजीयन कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से फ्रेंड, आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपना सेवा केंद्र सीएससी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के इन्फॉर्मेशन वीडियो आते रहते हैं और जो भी आप कमेंट करते हैं उसका रिप्लाई तुरंत दिया जाता है और जो भी बताते हैं वीडियो बनाने के लिए उसके बारे में वीडियो भी बनाया जाता है। तो चलिए जानते हैं किस प्रकार से हम लोग को रोजगार पंजीयन करना है। सबसे पहले तो आपको गूगल में आना है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पे लिखना है सीजी सीजी रोजगार पंजीयन आपको लिखना है, उसके बाद इंटर करना है। इसका ऑफिशियल जो वेबसाइट है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको जैसे ही क्लिक करिएगा तो इस पेज में आप आ जाइएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑनलाइन नवीनीकरण, जो पुराने लोग हैं यहाँ पे क्लिक करके वे भी अपना रोजगार पंजीयन कर सकते हैं नया साइड में। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अभी का रोजगार पंजीयन का एक नया ऐप भी जारी हो चुका है, जो मोबाइल फोन के माध्यम से कर सकते हैं आप इस एप्लीकेशन के माध्यम से। उसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि मोबाइल से कैसे करना है, आप कंप्यूटर से भी कर सकते हैं, ब्राउजर से कर सकते हैं, मैं आज ब्राउजर से बताने वाला हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं लॉग इन में आपको क्लिक करना है। यहाँ पे लॉग इन में जैसे क्लिक करेंगे तो उसके बाद देख सकते हैं दो तीन ऑप्शन आएगा आपका, रोजगार इच्छुक और यहाँ पे रोजगार कार्यालय वाले। तो रोजगार कार्यालय वाले यहाँ से लॉग इन कर सकते हैं, यहाँ से एडमिन लोग लॉग इन कर सकते हैं। तो हम लोग रोजगार इच्छुक में क्लिक करना है, इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद इस प्रकार का पेज आएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं बंद करें ऑप्शन में जैसे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का आ जाएगा। यहाँ पे आपका आईडी पासवर्ड बना होगा तो आप अपना आईडी और पासवर्ड डाल के लॉग इन कर सकते हैं। तो हम लोग को सिंपली यहाँ पे नया आईडी बनाना है क्योंकि हम लोग यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं नया रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं हम लोग नया। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पेज में आ जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है पुराने पंजीयन क्रमांक को डाल के यहाँ पे आप नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं विवरण में क्लिक करके, ठीक। और यहाँ पे लिखा गया है यदि आप रोजगार कार्यालय में पंजीकृत नहीं है तो नवीन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं नवीन पंजीयन लिखा हुआ है, इसके ऊपर हम लोग को क्लिक करना होगा। इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो इस वाला साइड में हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले हम लोग का मोबाइल नंबर यहाँ मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर इंटर कर दूंगा। उसके बाद यहाँ मोबाइल ओटीपी भेजे में क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए तो ही अब रोजगार पंजीयन आप कर सकते हैं नया साइड में। तो चलिए हम लोग मोबाइल नंबर इंटर करके हम लोग का ओटीपी भेजा चुका है, अब हम लोग यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ ओटीपी डाल देते हैं और यहाँ से मोबाइल ओटीपी को सत्यापन कर लेते हैं। यहाँ पे सफलतापूर्वक सत्यापन भी हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे मांग रहा है, तो हम लोग आधार कार्ड का नंबर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आधार ओटीपी भेजे, जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होगा तो उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। यहाँ पे ओटीपी दर्ज करके यहाँ पे फिर सत्यापन हम लोग को करना पड़ेगा। आधार नंबर जैसे ही इंटर करेंगे उसके बाद हम लोग को आधार कार्ड में जो नाम है वे नाम इंटर करने के लिए यहाँ पे आएगा, इंग्लिश में इंटर करेंगे। उसके बाद हम लोग ओटीपी भेज सकते हैं। आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उसमें ओटीपी भेज दिया गया है, अब उस ओटीपी को हम लोग यहाँ पे डाल लेते हैं। यहाँ पे ओके क्लिक करेंगे, उसके बाद आधार कार्ड में जो ओटीपी गया है उसको यहाँ पे हम लोग फिल कर लेंगे। तो इस प्रकार से उस ओटीपी को हम लोग यहाँ पे फिल कर लेते हैं। उसके बाद आधार ओटीपी सत्यापन करें में क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से देख सकते हैं सफलतापूर्वक सत्यापन जैसे होगा उसके बाद ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट पेज में। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे डिटेल भरना है, तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, आपको पूरा चीज बताया जाएगा, पर थोड़ी सी जानकारी है आपको फिल करना है, उसके बाद आप सब चीज समझ जाएंगे। तो फ्रेंड सबसे पहले तो व्यक्तिगत विवरण हम लोग को भरना है, माउस का निशान आपको दिखाई देगा, जहाँ पे जाएगा वहाँ पे हम लोग को भरना है। यहाँ पे लिंग देख सकते हैं मेल है फीमेल है, वे चीज़ यहाँ पे हम लोग को सेलेक्ट करना है। उसके बाद विवाहित है अविवाहित है उसको यहाँ पे लिखना है, तो मैं यहाँ पे विवाहित पे टाइप कर देता हूँ। उसके बाद पति
पिता या पत्नी का नाम हमें यहाँ पे लिखने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। देख सकते हैं पिता या पति का नाम लिखिए, तो हम लोग यहाँ पे मैं पिता का नाम ही टाइप करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ टाइप कर देता हूँ। इस प्रकार से हम लोग को पूरा चीज भरते जाना है, एक एक करके वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरा चीज समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक विशेष सूचना दिया गया है कि 14 साल से और 75 वर्ष के बीच के ही आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, इससे कम रहेगा या इससे ज्यादा रहेगा वे यहाँ पे पंजीयन नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे की जानकारी जानते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जाति पूछ रहा है, तो आपका कौन सा जाति है वे जाति यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ओबीसी है, एसटी है, एसएससी है, तो हम लोग इस प्रकार से अपना जाति सेलेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे विशेष पिछड़ा जनजाति में आते हैं, नहीं आते हैं तो नो में क्लिक करना है। उसके बाद दिव्यांग हैं, विकलांग हैं, तो आप यहाँ पे हाँ कर सकते हैं, विकलांग नहीं है तो नो में क्लिक रहेगा। उसके बाद उच्चतम योग्यता, ये आप कहाँ तक पढ़ाई किए हैं, तो किस चीज़ का हम लोग रोजगार पंजीयन करना चाहते हैं, जितना पढ़ाई किए हैं वे सारा चीज़ यहाँ पे हम लोग को सेलेक्ट करता है करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कॉलेज ग्रेजुएट कर चुका हूँ। यदि फ्रेंड आपको उच्चतम योग्यता में कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत सारा सब्जेक्टेड दिया हुआ है, आप जो पढ़ाई किए हैं वे चीज़ आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं रोजगार की स्थिति चुने में क्लिक करना है, आप कौन सा रोजगार करते हैं अभी फिलहाल उस चीज को सेलेक्ट करना है। आप यहाँ पे बेरोजगार हैं या कुछ मजदूर करते हैं या स्वरोजगार हैं, निजी क्षेत्र में नौकरी करते हैं, जो करते हैं वे चीज डालना है। सबसे ज्यादा तो बेरोजगारी में आएंगे या मजदूरी में आएंगे, तो मैं यहाँ पे बेरोजगारी पे क्लिक करता हूँ अपना। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं विदेश में नौकरी में रुचि रखते हैं, विदेश में नौकरी में रुचि रखते हैं, नहीं बाबा वहाँ हम रुचि नहीं रखते हैं। उसके बाद देख सकते हैं पता आधार के अनुसार आपको डालना है, स्टेट तो हम लोग का डलाया हुआ है छत्तीसगढ़, देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना जिला सेलेक्ट करना है, तो मैं अपना जिला यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपको कंटिन्यू अपना जिला देख लेना है, जो आधार कार्ड में जो डिटेल है वही चीज को हम लोग को भरना है इस प्रकार से। उसके बाद आप देख सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं या शहरी क्षेत्र में, तो मैं ग्रामीण क्षेत्र में रहता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे अपना ब्लॉक चयन करेंगे, उसके बाद अपना ग्राम पंचायत यहाँ पे चयन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लेना है कि कौन सा आपका ग्राम पंचायत है, तो मैं अपना ग्राम पंचायत इस प्रकार से चयन कर लेता हूँ, ठीक है ग्राम। अब यहाँ पे पूरा पता आपको भरना है, जैसे ग्राम पंचायत, उसके बाद विलेज, उसके बाद पोस्ट, तहसील, जिला, इस प्रकार से आपको यहाँ इंटर कर देना है इंग्लिश में। तो चलिए मैं अपना इंटर कर लेता, तो मैं अपना पूरा डिटेल यहाँ पे भर चुका हूँ। यहाँ पे अपना पिन कोड डाल देते हैं, इस प्रकार से अपना पिन कोड डाल दिए, यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल देना है, तो आप भी अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए। ईमेल आईडी डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप डाल सकते हैं या नहीं भी डाल। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन जैसे ही करेंगे उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको फोटो अपलोड करना है, और यहाँ पे देख सकते हैं प्रोफाइल फोटो जेपीजी में होना चाहिए, और इसका जो साइज है 10 या 100 KB के बीच होना चाहिए तो ही ये अपलोड होगा। तो चलिए हम लोग अपना फोटो यहाँ पे साइज कर लेते हैं और अपलोड भी कर लेते हैं। रिसाइज कैसे करना है उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि आप अपने फोटो को रिसाइज कैसे कर सकते हैं या किसी का भी फोटो को किस प्रकार से रिसाइज कर सकते हैं, जितना चाहें उतना हमें आप उसको साइज दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पूरा चीज भर चुका हूँ। उसके बाद घोषणा पत्र में देख सकते हैं जो भी हम लोग यहाँ पे भरे हैं वे रोजगार विभाग इसकी जवाबदारी नहीं होगी, जो भी गलत होगी वे मैं खुद हूंगा। मैं घोषणा करता हूँ कि इसमें जो भी जानकारी भरा गया है वे गलत होंगी, तो उसके जवाबदारी मैं खुद होऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज का घोषणा किया है, अब यहाँ पे मैं टिक करता हूँ और साझा करे पे क्लिक करता हूँ। साझा करे पे जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद रिफ्रेश लेगा, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे सत्यापन हो चुका है और पंजीयन नंबर हम लोग का आ चुका है। तो फ्रेंड आप इस नंबर को सेव कर लीजिएगा, यदि कोई दिक्कत होता है तो नहीं सेव करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस नंबर को सेव कर लीजिएगा, उसके बाद हम लोग यहाँ पे करते हैं ओके। ओके जैसे करेंगे रिडायरेक्ट हम लोग का इस प्रकार का हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं आ चुका है। और यहाँ पे देख सकते हैं टिप्पणी में लिखा है यह रोजगार पंजीकरण प्रमाणित कंप्यूटर द्वारा जनहित है, इसमें किसी प्रकार की हस्ताक्षर करवाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे पूरा डिटेल को आप पढ़ सकते हैं और इस प्रकार से यहाँ से हम लोग प्रिंट करके कस्टमर को दे सकते हैं। तो फ्रेंड हम लोग इसमें भर रहे थे तो हम लोग का कोई सा जानकारी गलत हो गया है, तो उसको हम लोग को सुधारने की प्रक्रिया में बता देता हूँ। तो जैसे कि देख सकते हैं हम लोग का डेस्कटॉप इस प्रकार से खुलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। सुधार के लिए क्या करना है हम लोग को, ये पंजीकरण ऑप्शन में हम लोग को जाना है। पंजीकरण ऑप्शन में जैसे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं पंजीयन सुधारें का ऑप्शन दिया गया है,
इसके ऊपर क्लिक करके हम लोग जो चीज चाहते हैं वे चीज हम लोग यहाँ से सुधार सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं और हम लोग का पंजीकृत प्रमाण पत्र को चाहिए हम लोग रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र, तो ये पंजीयन इसमें क्लिक करेंगे तो हम लोग का इस प्रकार का आ जाएगा, ठीक है। और नवीनीकरण का दिनांक हम लोग यहाँ पे कि कब समाप्त होगा नीचे तो दिया ही हुआ है, ठीक है ना। देख सकते हैं यहाँ पे 2027 में हम लोग अगला यहाँ पे नवीनीकरण कराएंगे। उसके लिए यहाँ पे डेस्कटॉप में जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना महीना का हम लोग का दिया रहता है। यहाँ पे 1 तारीख 7वां महीना 2027 को हम लोग का समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे नवीनीकरण करवाना है इसको, और 3 महीना के भीतर हम लोग को नवीनीकरण कराना है, उस चीज का भी यहाँ पे डेट दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं नवीनीकरण का ऑप्शन, आप अपना आईडी खोलेंगे और उसके बाद यहाँ से नवीनीकरण कर सकते हैं। और गाइज आपको मैं बता दूं, आपको यहाँ पे पासपोर्ट बनाना पड़ेगा। आपका आईडी तो मैं बता देता हूँ, आपका आईडी ये वाला है, ठीक है। और आप मोबाइल नंबर भी आपका आईडी रहेगा। इस प्रकार से फॉरगेट पासपोर्ट करना है, उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप अपना आईडी का पासपोर्ट बना लीजिए। तो मैं अपना आईडी का पासवर्ड बनाने के लिए मैं सिंपली क्लिक करता हूँ प्रोफाइल में यहाँ पर। उसके बाद देख सकते हैं प्रोफाइल यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोफाइल पासपोर्ट बदलें। इसके ऊपर जैसे क्लिक करूंगा तो इस प्रकार का आ जाएगा। हम लोग का पासपोर्ट अभी बना नहीं है, हम लोग यहाँ से अपना नया पासपोर्ट बना लेते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे अपना पासपोर्ट बना लेता हूँ इस प्रकार से, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पासपोर्ट अपना इस प्रकार से हम लोग अपना क्या करते हैं, नाम और डेट ऑफ बर्थ को मैं अपना पासपोर्ट बना लेता हूँ। सिंपली आप भी इसी प्रकार से बना लीजिएगा। तो मैं अपना नाम और यहाँ पे @2000 इस प्रकार से अपना पासपोर्ट सेव कर लेता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरा सफलतापूर्वक पासपोर्ट बन चुका है, आप भी बना लीजिए, ठीक है। तो सब चीज आपको समझ में आ गया गाइस कि किस प्रकार से हम लोग रोजगार पंजीयन कर सकते हैं, नया रोजगार पंजीयन। और उसमें जो भी जानकारी आपको समझ में नहीं आया होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई होप गाइस आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो दिल से एक लाइक करिए, और हमारे चैनल में पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।